सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं जयंत पटनायक, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है सोलो तबला की तैयारी कैसे करें। तो उसमें मैं कई वीडियोस बनाऊंगा, पेशकार कैसे बजाते हैं, कायदा कैसे बजाते हैं और रॉ कैसे बजाते हैं, रो यानी कि रेला कायदा या रॉ कायदा कैसे बजाते हैं, उसके बाद मध्य लय कब करना चाहिए, किस टेम्पो में क्या बजाना चाहिए, ये सारा जो कुछ भी सोलो तबला में बजता है मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आज का हमारा पहला वीडियो है पेशकार में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं और पेशकार में किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए और उसकी तिहाई किस प्रकार बनाएं और ये सब चीज़ें जो भी पेशकार से रिलेटेड हैं मैं आपसे शेयर करूंगा। और जो मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, उससे मेरी जो भी वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, पेशकार कैसे बजाएं। सबसे पहले हम पेशकार को समझेंगे कि पेशकार का मतलब क्या होता है। पेशकार का मतलब है जो बजाने वाला वादक है वो अपनी तरफ से क्या सुनाना चाहता है, कि वो क्या लोगों के आगे पेश करना चाहता है, उसको पेशकारी, जो उस वादक की पेशकारी है उसको नाम पेशकार दिया गया है। पेशकार में किसी भी तरह का कोई रूल नहीं होता, कोई नियम नहीं है कि इसमें यही बोल बजेंगे, इन बोलों को इसी प्रकार रखना है। जिस प्रकार कायदा में नियम होते हैं कि बोलों को हम नहीं बदल सकते, उस प्रकार का इसमें कोई भी रूल नहीं है। आप पेशकार किन्हीं बोलों से स्टार्ट कर सकते हैं और किन्हीं बोलों पे जाके उसको विराम दे सकते हैं। तो पेशकार की सबसे खास बात यही है कि इसमें किसी प्रकार का कोई नियम नहीं होता। आप इसमें रॉ के बोल भी बजा सकते हैं, रिला के बोल, छंद के बोल बजा सकते हैं, कोई किसी भी कायदा के कोई भी बोल उठा के इसमें लगा सकते हैं। ये एक पेशकारी है जो वादक के द्वारा ऑडियंस के सामने पेश की जाती है। तो पेशकार का स्वरूप देखते हैं कैसा होता है। जैसे ये एक तीन ताल का पेशकार है, 1 2 3 जानता है और उसको किस प्रकार वो लोगों के आगे, ऑडियंस के आगे पेश कर सकता है। और पेशकार में खास आपको ध्यान रखना है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लयकारी, ज्यादा से ज्यादा लयकारी वाली तिहाइयां, अगर आप स्लो में बजा रहे हैं, जैसे पेशकार एक बिल्कुल विलंबित लय में बजाया जाता है, तो जब इसको स्टार्ट कर रहे हैं कम बोलों की तिहाइयां लोगों के सामने पेश करें जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। आप कभी जाकिर जी का या बड़े उस्तादों का पेशकार सुनेंगे, उनके पेशकार में यही खास बात होती है कि वो कम से कम बोलों में तिहाई बनाकर सम पे लाते हैं। जैसे 1 2 3 स्टार्ट, छोटे बोलों की तिहाइयां बनाकर सुना सकते हैं। और लयकारी में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, आपको गिनकर उसको बनाना पड़ेगा, उसको बहुत ही विस्तार से और बहुत ही प्यारे ढंग से उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप स्टेज पे हैं, आप आंखें बंद करके यूं बजा नहीं सकते, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए बैठे हैं, तो सामने वाला जब आपको दिखे तो उसको एक खुशी, एक कनेक्शन फील होना चाहिए कि हाँ ये वादक ऑडियंस के लिए प्ले कर रहा है। इस फर्क को भी आपको समझना पड़ेगा। जब हम एक बॉक्स के अंदर, एक कमरे के अंदर रियाज करते हैं तो वो हम अपने लिए करते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी सोच को डेवलप करने के लिए, अपने हाथ को तैयार करने के लिए हम वो रियाज करते हैं। पर जब हम किसी स्टेज पे या किसी कंसर्ट में प्ले करते हैं तो हम अपने लिए नहीं प्ले करते, हम वहां सुनने वाले लोगों के लिए प्ले करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए कि जब हम
सोलो प्ले कर रहे हैं तब हम खुद के लिए नहीं बजा रहे, हमें वो चीजें प्ले करनी है जो लोगों को अच्छी लगे। तो अब पेशकार का एक बनाने का ढंग देख लेते हैं। पेशकार कई तरह के हो सकते हैं, आड़ लय का हो सकता है, बराबर लय का हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है, इसलिए इसको किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। सबसे पहले बराबर लय का पेशकार देखते हैं। इसमें स्टार्टिंग में आप कुछ भी बोल बजाइए, लास्ट में आप धा धा तिन्ना बजा कर पेशकार का एक पल्ला कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि धा धा ती धा तिन्ना धा धा तिन्ना धा ती धा धा तिन्ना धा धा ती। इसमें आप स्टार्टिंग में कोई भी बोल बजाइए, लास्ट में आप धा धा तिन्ना लगाकर उस पल्ले को कंप्लीट कर सकते। उसके बाद उसका खाली वाला पल्ला बजाकर फिर लास्ट में धा धा तिन्ना सेम तरीके से लगाकर वो पूरा एक पेशकार बना सकते हैं। तो अब आगे कुछ धा ना ती इन बोलों से कुछ पेशकार बनाकर देखते हैं। जैसे कि 1 2 3 इसका धान धा धा धन धा ती धान धा ती धा धा तिन ना तान ता ती गेना धा ती धा ती धा ती धा धा तिन ना धान धा ती गेना धा ती धा ती धा धा ती धा धा तिन ना तान धा ती गेना धा ती धा ती धा धा ती धा धा तिन ना तान धा ती धा ती धा 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 तिन ना गेना धा ती धा धा ती धा ती धा ती धा 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 तिन ना गेना में एक एक आवर्तन की बढ़त कर सकते। उसके बाद लय बढ़ती जाएगी, आप कोई भी बोल ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे भी करना चाहें इसको वैसे बना सकते हैं। कई उस्ताद लोग इसमें जातियों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे खंड जाति और मिश्र जाति, इनका भी इस्तेमाल करते हैं। जितना इसको अपने ढंग से बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। तो अब जब पेशकार एक प्रॉपर लय में पहुंच जाता है, जैसे इसमें आप दीर्घित भी लास्ट में ऐड कर सकते हैं, फास्ट टेम्पो पे आ गया तो इसको एक चक्करदार तिहाई यानी कि एक बड़ी तिहाई के साथ विराम दीजिए, जिसमें पेशकार सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है और जो आपने आगे बजाया है वो एक अलग ओहदे पे पहुंच जाता है, एक अलग खूबसूरती पे पहुंच जाता है। तो कोशिश कीजिए आप जिस बोलों पे लास्ट में पहुंचे हैं, चाहे वो तिरकिट के बोल हो सकते हैं, छंद के बोल हो सकते हैं, जिन बोलों पे पहुंचे हैं उन बोलों की एक तिहाई बनाकर चक्करदार बड़ी तिहाई। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि अपनी तिहाइयाँ कैसे बनाएं, तो उस वीडियो को ध्यान में रखकर एक आप चक्करदार तिहाई बना सकते हैं। उस तिहाई को यहाँ आखिर में लगाकर पेशकार को विराम दीजिए। तो ये था पेशकार का लेसन कि पेशकार कैसे बजाएं। मैं कुछ पेशकार अपनी तरफ से बनाकर आपको सुना देता हूँ। मैं सिर्फ उनके मुखड़े पहला आवर्तन ही बनाकर सुनाऊंगा, आगे आप उसको विस्तार अपने ढंग से कर सकते हैं। एक पेशकार ये हो सकता है 1 2 1 2 3 sa da
पेशकार ये है, अगला देखते हैं, बोलों को बदल दीजिए और स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हिला दीजिए और अंत वाले बोलों में धाधा तिन्ना लगा दीजिए तो पेशकार तैयार हो जाएगा। तो एक और पेशकार ट्राई करते हैं, 1 2 1 2 3 स्टार्ट। धा पेशकार ट्राई करते हैं, 1 2 1 2 3 स्टार्ट। छंद को लेकर पेशकार बना सकते हैं? जी हाँ, छंद को लेकर भी पेशकार बनाया जा सकता है, जैसे 1 2 1 2 3 स्टार्ट। पेशकार में किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है, सिर्फ तिहाइयां सम पर आनी चाहिए और लयकारी लय में होनी चाहिए। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए और आप पेशकार बहुत ही अच्छे प्रकार से बजा पाएंगे। तो ये था आज का लेसन कि पेशकार कैसे बजाया जाए। आपको ये लेसन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं इसके और भी पार्ट जल्दी रिलीज करूंगा, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।